नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में फिलहाल बहुत ही बड़ा झटका देखने को मिल रहा है क्योंकि रोहित शर्मा से मुंबई इंडियंस ने कप्तानी छीन ली है और हार्दिक पांड्या को नया कप्तान बना दिया गया है। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में क्रिकेट के जो फैंस थे इस बात को लेकर काफी नाखुश देखने को मिल रहे हैं क्योंकि रोहित शर्मा से कप्तानी छीन लेना ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रश्न पैदा करता है क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो आईपीएल के दूसरे सबसे सफल कप्तान रह चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी के बाद अगर कोई सफल कैप्टन है तो वो है रोहित शर्मा, क्योंकि इस बंदे ने मुंबई इंडियंस के लिए काफी कुछ किया है लेकिन मुंबई इंडियंस ने पे बैक नहीं किया, उनको कप्तानी से छीन लिया गया है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या जो है वो पहले गुजरात टाइटंस में थे लेकिन अब वो मुंबई इंडियंस में आ चुके हैं। दोस्तों, सबको ये था कि हार्दिक पांड्या जो है वो वाइस कप्तान रहेंगे लेकिन ऐसा नहीं है, उनको सीधा कैप्टन बना दिया गया है और रोहित शर्मा को निकाल दिया गया है। दोस्तों, इस बात से बहुत बड़े प्रश्न पैदा होते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न तो यह है कि आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा देना एक्सपेक्ट नहीं करते, वो प्रश्न बन रहा है कि क्या रोहित शर्मा आगे आने वाले T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे, क्या T20 इंटरनेशनल क्रिकेट आगे वो खेलेंगे, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। और सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि विराट कोहली के ऊपर है, क्योंकि अगर रोहित शर्मा कैप्टन नहीं रहते तो विराट कोहली को भी हमारे मन में प्रश्न है कि वो नहीं खेलने वाले, ऐसा लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी रोहित शर्मा को निकाल दिया गया है। दोस्तों, रोहित शर्मा इतने भी असफल कप्तान नहीं है T20 इंटरनेशनल के और वो बहुत ही बेहतर बैट्समैन है और इस बात से लेकर काफी क्रिकेट के फैंस नाखुश है क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और क्या पता यंगस्टर्स को मौका देंगे BCCI, क्योंकि ऑलरेडी एक बात सामने आ चुकी है कि रोहित शर्मा का जो परफॉर्मेंस है वो हम IPL में देखेंगे, उसके हिसाब से हम आगे रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप में खिलाएंगे। और विराट कोहली की बात है दोस्तों, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि विराट कोहली जो है वो अभी फिलहाल T20 नेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं क्योंकि पिछले टाइम जब से वर्ल्ड कप हुआ है T20 वर्ल्ड कप, तब से विराट कोहली कोई भी T20 मैच नहीं खेल रहे हैं और रोहित शर्मा भी नहीं खेल रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात से लेकर, इस बात को आप क्या कहना चाहेंगे अपने भाई को कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।